हेलो क्लास, हेयर आई एम गोइंग टू कवर अ चैप्टर दैट इज़ रिलेटेड टू कैलाश सत्यार्थी एंड हिज लाइफ, ओके, हिज अचीवमेंट. एंड दिस इज़ अ ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर अबाउट कैलाश सत्यार्थी, हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर हिज सोशल वर्क फॉर चिल्ड्रन. स्पेशली ही फॉट फॉर चिल्ड्रन राइट. एंड कैलाश सत्यार्थी 11th जनवरी 1954 ही वॉज बॉर्न. And he is a human rights activist from India who has been at the forefront of the global movement to end child slavery. इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था child slavery, especially ये जाने जाते हैं child के right के लिए, children के right के लिए इन्होंने बहुत fight किया है. And child labor since 1980 when he gave up a profitable career as an electrical engineer to start a crusade against child exploitation. Child exploitation के ख़िलाफ़ इन्होंने एक जंग छेड़ दी थी, आप कह सकते हैं 1980 में, जब इन्होंने अपना करियर छोड़ दिया. ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इन्होंने अपना करियर दांव पे लगा दिया था बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के हित के लिए, बच्चों के राइट के लिए लड़ने के लिए. ही एंड हिज टीम हैव लेड द रेस्क्यू ऑफ ओवर 88,000 चिल्ड्रेन एंड डेवलप्ड अ सक्सेसफुल मॉडल फॉर द एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन. ठीक है, बच्चों को इन्होंने मतलब रिहेबिलिटेशन दिया, जो भी इधर उधर बच्चे बहुत सारे बहुत तरीके से बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो उस एक्सप्लॉइटेशन से कम 88,000 बच्चों को इन्होंने मतलब आज़ाद कराया, रेस्क्यू किया उनका. ओके, ही इज़ रिसिपियंट ऑफ द 2014 नोबल प्राइज़. 2014 में इनको नोबल प्राइज़ मिला, विच इज़ शेयर्ड विथ पाकिस्तान मलाला यूसुफ जई. मलाला यूसुफ जई का आपने नाम सुना होगा, एक छोटी बच्ची थी जिन्होंने भी बच्चों के लिए ही फ़ाइट किया, एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए फ़ाइट किया था. इनको गोली भी लगी थी, जो कि यंगेस्ट एवर नोबल लॉरेट हैं, जिनको सबसे छोटी लड़की जिन्हें मतलब सबसे छोटा इंसान जिसे कभी भी नोबल प्राइज़ मिला, मलाला यूसुफ जई. तो इनको और कैलाश सत्यार्थी को एक साथ में नोबेल प्राइज़ मिला था, दोनों ने शेयर किया हुआ था, ठीक है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं बच्चों के लिए फ़ाइट कर रहे थे, बच्चों के वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं. ओके, सिंस हिज चाइल्डहुड. अब हम बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी की, यहाँ पे उनकी मतलब ये ऑटोबायोग्राफिकल टाइप की स्टोरी है उनके बारे में, कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया बच्चों के लिए. सिंस हिज चाइल्डहुड कैलाश हैड ऑलवेज क्वेश्चन द रॉन्ग एंड अनजस्ट. बचपन से इनका नेचर था कि कुछ अगर गलत हो रहा है, कुछ अन्याय हो रहा है, तो उसको क्वेश्चन करते थे, ठीक है, ये क्वेश्चन करने की इनकी आदत बचपन से थी. एज अ यंग चाइल्ड ऑफ 5 ईयर्स ही वॉज डिस्टर्ब डीपली व्हेन ही सॉ अ स्मॉल बॉय वर्किंग विद हिज कॉबलर फादर शाइनिंग शूज एट द ग्लोबल गेट एट द स्कूल गेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. जब ये 5 साल गए थे, ये स्कूल गए, तो स्कूल के गेट पे इनको एक कॉबलर बॉय दिखा, मतलब एक कॉबलर का, जूते बनाने वाले का बच्चा दिखा, जो कि शू पॉलिशिंग में अपने फादर की हेल्प कर रहा था. उसको देख के बहुत डिस्टर्ब हुए. ही कुड नॉट, ये बस 5 साल के थे, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई सम चिल्ड्रेन वर डिफरेंट फ्रॉम हिम. ये समझ भी नहीं इनको आ रहा था कि कैसे ये कुछ बच्चे इनसे अलग क्यों हैं इतने. इट डिड नॉट टेक कैलाश मच टाइम टू अंडरस्टैंड द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हिज लाइफ एंड दैट ऑफ कॉबलर सन. इनको समझ में आ गया कि मतलब ये भयंकर कंट्रास्ट था, मतलब बहुत बड़ा दोनों में डिफरेंस था, इनकी लाइफ में, कैलाश की लाइफ में और उस बच्चे की लाइफ में. बहुत सारे बच्चों की लाइफ में ऐसे इतने बड़े चेंज क्यों होते हैं, क्यों इतने अलग होते हैं. ऑन वन हैंड देयर वॉज कैलाश हु हैड अ तिलक ऑन हिज फॉरवर्ड एंड वॉज ड्रेस्ड इन अ न्यू स्कूल यूनिफॉर्म एंड शूज. एक तरफ कैलाश थे जो चंदन वंदन लगा के अच्छी नई नई यूनिफॉर्म पहन के, अच्छे शूज़ पहन के स्कूल जा रहे थे. हिज फैमिली हैड परफॉर्म्ड अ रिलीजियस सेरेमनी टू मार्क द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. और उनकी फैमिली ने, जैसे पहला दिन होता है तो बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे अलग अलग रिचुअल्स लोग परफॉर्म करते हैं फर्स्ट डे, मतलब कि अच्छा जाए तुम्हारा पहला दिन स्कूल का, तो किसी ना किसी रिलीजियस, मतलब जिसका जो भी रिलीजन, उस हिसाब से कुछ ना कुछ वो आप कह सकते हैं ऑस्पिशियस चीज़ें ऑफर करते हैं गॉड को. ऑन द अदर हैंड देयर वॉज द सन ऑफ कॉबलर विद अ सलन फेस एंड नो ड्रीम्स इन हिज आइज. और एक तरफ ये कॉबलर का बच्चा जिसके पास कोई ड्रीम नहीं, बिल्कुल मतलब गंदा सा आप कह सकते हैं देखने में, जैसे उसके कोई सपने नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है उसकी. कैलाश वॉज वेरी सैड अबाउट वॉट ही हैड सीन. कैलाश को बहुत दुख था जो भी कुछ उन्होंने देखा था. ही वेंट टू हिज क्लासरूम एंड आस्क्ड हिज टीचर अबाउट द स्मॉल बॉय आउटसाइड द स्कूल गेट.
यू नो जब ये क्लास में गए तो उन्होंने टीचर से पूछा उस बच्चे के बारे में जो कि उन्होंने उन्हें गेट पे देखा था. ही वॉज डिस्करेज फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन. ही आस्क्ड हिम येट अगेन ओनली टू बी इंस्ट्रक्टेड टू बी अटेंटिव इन क्लास रादर दैन थिंकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड. इन्होंने पूछा, फिर से पूछा अपने टीचर से कि भाई वो बच्चा कौन है, क्यों ऐसे इस हाल में है वो. तो इन्हें डिस्करेज किया गया क्वेश्चन पूछने से, ऐसे क्वेश्चन पूछने से. और इन्हें कहा गया कि आप क्लास में फोकस करिए रादर देन सीइंग आउटसाइड ऑफ द क्लास. बाहर क्लास के मत देखो, तुम क्लास के अंदर फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. कैलाश इनक्विजिट नेचर वॉज अनसेटल्ड एंड सेवरल क्वेश्चंस केप्ट इकोइंग इन हिज माइंड. लेकिन इनकी जो आदत थी क्वेश्चन पूछने की, इनकी जो उत्सुकता थी वो सेटल नहीं हुई और इनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, इको हो रहे थे, इनके दिमाग में गूंज रहे थे. इन द आफ्टरनून ही मेट द हेडमास्टर हु वाज नोन टू हिज फैमिली एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन दैट ही हैड आस्क्ड हिज क्लास टीचर अर्लियर इन द क्लास. फिर इनके इनको हेडमास्टर मिले जो कि इनकी फैमिली से, मतलब थोड़ा फैमिलियर थे, तो वो मिले. तो इन्होंने सेम क्वेश्चन उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों, उस बच्चे के बारे में पूछा. द हेडमास्टर एक्सप्लेन टू हिम दैट इट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द पुअर टू वर्क इन ऑर्डर टू सर्वाइव. उन्होंने कहा बहुत नॉर्मल सी बात है, जो गरीब बच्चे होते हैं वो सर्वाइव करने के लिए वो काम करते हैं. हिज फादर सेड दैट द कॉबलर वॉज पुअर एंड अनएबल टू सेंड हिज सन टू स्कूल. कैलाश वॉज स्टिल नॉट कन्विंस्ड विद द आंसर दैट ही गॉट. उनको हेडमास्टर ने उनको बताया कि देखो कॉबलर जो है बहुत पुअर है, वो अपने बच्चे को नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भेज नहीं सकता है स्कूल में, सो इसलिए वो काम करता है. लेकिन कैलाश को संतुष्टि नहीं मिली उनके आंसर से. फॉर द नेक्स्ट वीक और द 10 days ही वुड स्टेयर एट द बॉय एवरी टाइम ही एंटर्ड और लेफ्ट हिज स्कूल बिल्डिंग. जब भी वो अपने स्कूल में आते जाते थे इनकी नज़र जो है वो उस बच्चे पर रहती थी. वन डे ही मस्टर्ड द करेज टू आस्क द कॉबलर व्हाई डोंट यू सेंड योर सन टू स्कूल लाइक मी. एक दिन ने मतलब हिम्मत जुटा के उस कॉबलर से पूछ ही लिया कि क्यों तुम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते मेरी तरह. द कॉबलर वॉज विड्रॉन एंड हेजिटेट इन रिस्पॉन्डिंग बट वेन कैलाश इंसिस्टेड ही रिप्लाइड इन अ फ्रेल वॉइस. पहले तो वो कंफर्टेबल नहीं था कॉबलर इनको आंसर करने में, ठीक है, वो थोड़ा सा हिचकिचाया, वो समझ में नहीं आ रहा था उसको क्या बोले. लेकिन फिर उसने धीरे से कहा कि बाबू जी नो वन हैज़ एवर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन लाइक दिस. माई फादर वर्क एज अ कॉबलर, आई एम अ कॉबलर एंड माई सन इज़ ऑल्सो अ कॉबलर. फिर उसने मतलब पहले तो हिचकिचाया, फिर उसने कहा बाबूजी देखिए कि ऐसा सवाल पहले किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं, जैसा कि मेरे फादर कॉबलर थे तो मैं भी कॉबलर बना, अब मेरा बच्चा भी कॉबलर बनेगा, मुझे इसमें कुछ ऐसा एबनॉर्मल नहीं लगता. देर इज़ नथिंग न्यू इन इट, कुछ नया नहीं है इसमें. वी आर बॉर्न टू वर्क, हम पैदा ही हुए हैं काम करने के लिए. हिज आंसर लेफ्ट कैलाश मोर कन्फ्यूज देन बिफोर. और ये जो आंसर था इसने कैलाश को और भी कंफ्यूज कर दिया, ठीक है. ही केप्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट द कॉबलर हैड सेड, और वो सोचते रहे कि कॉबलर ने जो कहा था वो बात उनके दिमाग में चलती रही. कैलाश पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम दैट एवरीबॉडी इज़ बॉर्न टू डू गुड डीड्स. कैलाश के पेरेंट्स ने बताया था कि हर कोई अच्छे अच्छे कामों के लिए पैदा हुआ है. अटेन गुड एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, गेट अ गुड जॉब एंड अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम वन सेल्फ इन सोसाइटी. हर कोई पैदा हुआ है अपना अच्छे से काम करे, अच्छे विचार रखे, अच्छी एजुकेशन मिले, सबसे रिस्पेक्ट मिले, सबको मिलना ही चाहिए सोसाइटी में. बट देन वाई वर द कॉबलर एंड हिज सन ऑन द डिफरेंट जर्नी इन लाइफ. लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्यों कॉबलर और उसके बच्चे की एक अलग ही ज़िंदगी क्यों चल रही है, उसकी लाइफ इतनी डिफरेंट क्यों है हमसे, ये सारे सवाल इनके दिमाग में चल रहे थे. Why didn't the cobbler's story match with Kailash's father and had explained to him about life? वो सोच रहे थे कि क्यों हमारी स्टोरी और उस बच्चे की स्टोरी, कैलाश के फादर की स्टोरी और उस कॉबलर की स्टोरी इतनी डिफरेंट क्यों नहीं है, वो उसका एक्सप्लेनेशन चाहते थे, ठीक है. डेज पास्ट, कई दिन और बीते, बट द एंगस्ट केप्ट ब्रिविंग समवेयर डीप डाउन. लेकिन उनके दिमाग में ना ये चीज़ें चल रही थी, उनके दिमाग में मतलब ये एंजाइटी टाइप की उनको हो गई थी, ये सोच उनके दिमाग से निकल नहीं थी. इट वॉज द रेनी सीजन. कैलाश एल्डर ब्रदर बॉट हिम अ रेनकोट एंड अ कलरफुल अम्ब्रेला. रेनी सीजन था, बरसात का मौसम आ गया था. कैलाश के भाई ने उनके लिए एक रेनकोट खरीदा और सुंदर सा कलरफुल अम्ब्रेला खरीदा. वन डे ही वॉज सॉ द कॉबलर बीटिंग हिज सन. द बॉय वॉज क्राइंग इनकॉन्सोलेबली. कैलाश इंक्वायर्ड ऑफ द कॉबलर वाई ही वॉज बीटिंग हिज सन. एक दिन क्या हुआ कि कैलाश ने देखा कि जो कॉबलर था वो अपने बच्चों को पीट रहा था, ठीक है. अब वो बच्चा चिल्ला रहा था जोर जोर से. कैलाश गया और उसने पूछा कि क्यों तुम अपने बच्चे को पीट रहे हो.
He said, I had gone for lunch and asked my son to cover the shoes with a plastic sheet. Should it rain? This fool, instead of protecting the shoes, chose to wrap himself with a plastic sheet and I had given to him. उसने क्या बताया कि बरसात होने वाली थी और मैंने इस बच्चे को, मतलब मैंने अपने बच्चे को बोला था कि शूज़ को, मैंने उसको एक प्लास्टिक का कवर दिया था कि शूज़ को कवर करके रखना प्लास्टिक शीट से, ठीक है, बारिश हो सकती है. लेकिन इस बेवकूफ़ ने क्या किया, शूज़ को कवर करने की बजाय इसने खुद को कवर कर लिया. जब बरसात होने लगी तो उसने खुद को कवर कर लिया पानी से, ठीक है, जो कि उस पॉलीथीन से जो कि मैंने उसको दिया था. ऑल द शूज़ दैट पीपल हैड लेफ्ट हेयर फॉर मेंडिंग आर ड्रेंच्ड. सारे शूज़ जो लोगों ने मुझे बनाने को दिए थे सब भीग गए. द लेदर विल स्पॉयल सून, और सब चमड़ा ख़राब हो जाएगा जूतों का. दीज आर एक्सपेंसिव शूज़, ये बहुत महंगे जूते. आई हैव नो वेयर टू गो नाउ, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ. माई कस्टमर विल आस्क मी टू पे बैक वॉट दे हैड स्पेंड ऑन देयर शूज़. अब वो कस्टमर जो अपने जूतों पर उन्होंने जितना खर्च किया होगा मुझसे मांगेंगे और मुझसे पैसे मांगेंगे. मैं कहाँ से चुकाऊँगा, ठीक है, मेरे ऊपर ये सब कर्ज हो गया है, मैं कहाँ से दूँगा. आई बेयरली मेक एंड्स मीट विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, किसी तरीके से मैं रोजी रोटी कमाता हूँ और मैं अब मैं क्या करूँगा इस डिफ़िकल्टी में, इस प्रॉब्लम में मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ. हाउ विल आई पे बैक माई कस्टमर, कैसे मैं अपने कस्टमर को पे बैक करूँगा. लुक वॉट अ मेस आई हैव लैंडेड इन टू, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फुलिश बॉय, इस बेवकूफ़ लड़के की वजह से मैं कितनी मुसीबत में आ गया, मैं कैसे बताऊँ. कैलाश वॉज शॉक्ड, कैलाश बिल्कुल शॉक था ये सुन के. ऑन वन हैंड ही वॉज स्टैंडिंग देयर विद अ रेनकोट एंड अम्ब्रेला दैट हिज ब्रदर हैड परचेज टू इंश्योर दैट ही डिडंट गेट वेट. एक तरफ उसके पास अम्ब्रेला भी है, रेनकोट भी है जो उसके भाई ने उसको दिया है ताकि वो भीगे नहीं. ऑन द अदर एंड, और दूसरी तरफ, देयर वॉज दिस कॉबलर वॉज जस्ट नॉट कंसर्न अबाउट हिज सन गेटिंग वेट इन द रेन. और दूसरी तरफ ये कॉबलर है जिसको चिंता ही नहीं कि उसका बच्चा भीग जाएगा बारिश में. ऑल दैट ही वॉज वरीड अबाउट वर द शूज़ ऑफ द कस्टमर, वो किस, उसको शूज़ की चिंता है, कस्टमर के शूज़ की चिंता, अपने बच्चे की उसको कोई चिंता ही. इंस्टेंटली ही हैंडेड ओवर हिज फेवरेट कलरफुल अम्ब्रेला टू द बॉय बिकॉज ही एनी वे हैड अ रेनकोट एज अ बैकअप. तुरंत ही कैलाश ने अपना अम्ब्रेला उस बच्चे को दे दिया क्योंकि उसके पास एक बैकअप में एक रेनकोट भी था, ठीक है, उनके पास तो रेनकोट और अम्ब्रेला दोनों था. तो उसने अपना अम्ब्रेला जो है उस बच्चे को दे दिया. देयरफॉर ही डिड नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर पार्टिंग विद हिज अम्ब्रेला, कैलाश ने दोबारा सोचा भी नहीं अपना अम्ब्रेला देने से पहले. दिस इंसिडेंट मूव कैलाश टू द कोर, और इस इंसिडेंट ने कैलाश को अंदर से हिला दिया था, ठीक है. कैलाश हैड ऑलवेज फेल्ट वेरी स्ट्रांगली दैट ऑल चिल्ड्रेन आर बॉर्न इक्वल, देयरफॉर हैव द राइट टू लीड अ गुड लाइफ. पब्लिक स्कूलिंग वॉज नॉट फ्री वेन कैलाश वॉज अराउंड 11 ईयर ओल्ड, ठीक है. कैलाश क्या फील करते थे, बहुत स्ट्रांगली इनके दिमाग में ये चलता था कि सारे बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको, उनके सबके पास इक्वल राइट है, उनको एक तरह की ज़िंदगी बिताने का सबको हक होना चाहिए. पब्लिक स्कूलिंग वॉज नॉट फ्री, और ये वो समय था जब 11 साल के थे कैलाश, तो उस समय मतलब स्कूलिंग फ्री नहीं थी. जैसे आज प्राइमरी स्कूलिंग होती है ना, फ्री होती है, प्राइमरी स्कूल फ्री होता है, हर जगह होता है बच्चों के लिए कि वहाँ 14 साल तक के बच्चे जाएँ, ऐसा कुछ नहीं था तब. विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कैलाश स्टार्टेड अ फुटबॉल क्लब टू रेज मनी फॉर द चिल्ड्रेन हु वर अनेबल टू अटेंड स्कूल. कैलाश ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक फ़ुटबॉल क्लब शुरू किया जिससे कि कुछ फ़ंड रेज कर सके वो बच्चों के लिए, ठीक है, कुछ पैसे इकट्ठा कर सके जो स्कूल नहीं अटेंड कर सकते उन बच्चों के लिए. द मेम्बरशिप फी दिस कलेक्टेड वॉज डोनेटेड टू सपोर्ट द स्कूल फ़ी फॉर फ्यू सच चिल्ड्रेन, ठीक है. और मेंबरशिप फ़ी जो होती थी उसमें जो भी मेंबरशिप के लिए आता था उस फुटबॉल क्लब में, उसको पैसे देने होते थे और वो पैसे डोनेट किए जाते थे बच्चों के एजुकेशन के लिए, ठीक है. इन द ईयर्स दैट फॉलोड कैलाश एंड हिज फ्रेंड वेंट अहेड एंड पुट अप स्नैक स्टॉल एट फिट्स एंड फेयर एंड वो एबल टू रेज मनी मोर मनी टूवर्ड्स द स्कूल फ़ी ऑफ
अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन के लिए, मतलब जिनको जो इतने प्रिविलेज नहीं थे कि एजुकेशन और स्कूल अफोर्ड कर सके, उनके लिए इन कैलाश ने और उनके दोस्तों में मिल के बहुत सारे स्टॉल वगैरह भी लगाए, जो भी फेयर्स होते थे मेले वेले में स्टॉल लगाते थे और फंड रेज करते थे, ठीक है, मनी रेज करते थे और उसको डोनेट करते थे बच्चों के लिए. सून कैलाश रियलाइज दैट द मेजर प्रॉब्लम दैट वॉज बींग फेस्ड बाई सच चिल्ड्रेन वॉज देयर इनएबिलिटी टू अफोर्ड स्कूल बुक्स, रिजल्टिंग इन मैनी चिल्ड्रेन बींग फोर्स टू ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल. इनको फिर धीरे धीरे इनको रियलाइज़ हुआ कि जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है ऐसे बच्चों के साथ, कि उन मतलब इनएबिलिटी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल बुक्स को, नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है, किताबें नहीं खरीद सकते, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी. इस वजह से भी मतलब इनको स्कूल से दूर रहना पड़ता है, बाहर हो जाना पड़ता है. कैलाश अलॉन्ग विद वन ऑफ हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट, और अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इन्होंने सोचा कि कुछ इसके लिए करना चाहिए. इन विदिशा, विदिशा में जो कि मध्य प्रदेश में है, रिजल्ट्स ऑफ ऑल क्लासेस इन ऑल स्कूल यूज टू बी डिक्लेयर्ड ऑन अप्रैल 30th एवरी ईयर. विदिशा में क्या होता था कि 30th अप्रैल को सबके रिजल्ट निकलते थे. कैलाश एंड हिज फ्रेंड हायर्ड अ पुश कार्ट, इन्होंने एक ठेला हायर किया, पुश कार्ट जिसको पुश करके चलाते हैं, ठीक है, ऐसा ठेले टाइप का ही कोई कोई कार्ट इन्होंने हायर किया. वेयर ही चूज टू स्टैंड ऑन द कार्ट जिस पे ये खड़े हो गए, हिज फ्रेंड हेल्प पुश इट थ्रू नैरो लेन्स ऑफ द लोकेलिटी, और इनके फ्रेंड्स उसको नैरो मतलब गलियों से लेके निकल रहे थे, उस ठेले पे ये खड़े थे और गलियों से होके वो ठेला गुजर रहा था. येलिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस दे स्टार्टेड कॉन्ग्रेचुलेटिंग टू द स्टूडेंट फॉर द पासिंग एग्जामिनेशन. दिस इमीडिएटली कॉट द अटेंशन ऑफ पीपल अराउंड देम, और इन्होंने लोगों को जो बच्चे पास हुए थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू किया, सबको बधाइयाँ देनी शुरू की जो बच्चे पास हुए हैं, जोर जोर से चिल्ला के. When they saw enough people come out of their house, they exclaimed, "You all are lucky that your children have been promoted to the next class. But think about those children who do not even get an opportunity to attend school just because they cannot afford school books." ठीक है, और फिर जब इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर आ गए तो उनको इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि आप उनके बारे में भी सोचें. देखिए, आपके बच्चे तो अब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए, लेकिन ज़रा सोचिए उन बच्चों के बारे में जिनको मौका ही नहीं मिलता स्कूल जाने का, ठीक है, क्योंकि वो बहुत गरीब है और उनके पास जो है वो अब स्कूल बुक तक नहीं अफोर्ड कर सकते, वो किताबें तक नहीं खरीद सकते. ओल्ड बुक्स आर ऑफ नो यूज़ टू यू, सूनर देन लेटर यू विल सेल देम ऑफ और थ्रो अवे प्राइसेस, ठीक है, और बहुत जल्दी आप उसको क्या करेंगे, उन किताबों को जो आपके बच्चों ने पढ़ लिया है उसको आप मतलब ऐसे थ्रू अवे, मतलब बिल्कुल फेंक देने वाले प्राइस में आप किसी को दे देंगे, आप कबाड़े वाले को सेल कर देंगे. ये ओल्ड बुक्स कैन लाइट अप द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन टू अटेंड स्कूल हु आर अनेबल टू डू सो ऑल दिस वाइल, और आपकी जो वो पुरानी बुक है, जो ख़राब बुक्स हैं, वो किसी का जीवन बदल सकती हैं, ठीक है, किसी की ज़िंदगी को ब्राइटन कर सकती हैं अगर आप उन्हें गरीब बच्चों को दे दें. थिंक हाउ ग्रेटफुली दे एंड देयर पेरेंट्स वुड बी टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, सोचिए ज़रा कितने ग्रेटफुल होंगे वो लोग आपके लिए, ठीक है, कितना एहसान फील करेंगे वो लोग अगर आप उन्हें मतलब अपनी किताबें दे देते हैं, पूरी ज़िंदगी वो याद रखेंगे इस बात को. दिस एक्चुअली वर्कड एंड द रिस्पॉन्स वॉज ओवर ब्लेमिंग, और ये तरीका काम कर गया और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, ओवर ब्लेमिंग था. पीपल बॉट आउट हीप्स ऑफ ओल्ड बुक्स एंड स्टार्टेड डोनेटिंग ए लार्ज नंबर, लोग अपनी किताबें लेके और डोनेट कर मतलब लार्ज नंबर में बहुत सारे लोगों ने किताबें देनी शुरू कर दी. कैलाश एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड अरेंजिंग द बुक्स ऑन द कार्ट, उन्होंने बुक उस ठेले पे बुक अरेंज करना शुरू किया. सून द कार्ट वॉज फ्लडेड विद ओल्ड बुक्स, और जल्दी ही कार्ट पूरा भर गया. दे डम्प द बुक्स एट द फ्रेंड्स हाउस एंड वर बैक ऑन द स्ट्रीट टू कलेक्ट मोर, लेके गया वो एक जगह उसको किताब को एक दोस्त के घर रखा, फिर दोबारा ठेला लेके गए, दोबारा फिर से कलेक्ट किया. पीपल वर वॉलेंटरी डोनेटिंग बुक्स दैट डे, दे वो एबल टू कलेक्ट ओवर 2000 बुक्स, उस दिन उन्होंने करीब 2000 तक किताबें इकट्ठा की. कैलाश पेरेंट्स वो नॉट अवेयर ऑफ दिस इनिशिएटिव, व्हेन कैलाश एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड सॉर्टिंग द बुक्स दे रियलाइज दैट द बुक्स रेंज फ्रॉम स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल. नाउ दे वर कन्फ्यूज एज टू वॉट शुड बी डन विद द बुक्स एंड हाउ दे शुड आइडेंटिफाई द नीडी. जल्दी क्या हुआ कि उन्हें पता चला स्कूल लेवल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक बहुत सारी किताबें आ गई थी, ठीक है. अब दिक्कत ये हुई कि कैसे उनको सॉर्टेड किया जाए, कैसे कौन सी किताब किसको देनी है, किस लेवल की है, ये सब दिक्कत आ गई, ठीक है, सब मिक्सअप हो गए थे, सब मैस हो गया था. दे अप्रोच द हेडमास्टर ऑफ देयर स्कूल एंड सॉट हिज हेल्प,
और फिर वो स्कूल मास्टर के पास गए और उनकी हेल्प ली। द हेड मास्टर एग्री टू सॉर्ट आउट द बुक्स, और हेड मास्टर एग्री हो गए कि चलो ठीक है, हम बुक किताबें अलग अलग कर देंगे, अरेंज कर देंगे। ही ऑल्सो एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स टू द ट्रूली डिजर्विंग स्टूडेंट हु वर इन नीड, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हेड मास्टर ने कि वो किताबें बच्चों तक जो भी ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचाएंगे। दे देन थॉट दैट दे गेव अवे ऑल द बुक्स, ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि एंड दे वुड बी बैक टू स्क्वायर वन एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, और इन्होंने सोचा मतलब हर एकेडमिक सेशन पे ही ये रोटेशन चलता रहेगा। देयरफॉर कैलाश आस्क्ड हिज हेडमास्टर इफ़ ही कुड एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स टू द नीडी एट द बिगनिंग ऑफ द सेशन एंड कलेक्टिंग देम बैक वेन द सेशन इज एंडेड, ठीक है। फिर उन्होंने हेडमास्टर से मतलब हेडमास्टर की हेल्प की और हेडमास्टर की हेल्प ली और उनसे बोला कि हर सेशन में क्या करते हैं कि किताबें हम सेशन जब शुरू होगा तो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो ज़रूरतमंद है, और जब सेशन ख़त्म होगा तो उनसे कलेक्ट भी करेंगे, ठीक है, उनसे ले लेंगे, ये रोटेशन चलता रहेगा हर साल। नॉट ओनली डिड द हेडमास्टर ऑफर टू हेल्प बट ही ऑल्सो स्पोक टू द हेडमास्टर, एंड हेडमास्टर ने केवल हेल्प नहीं की, ठीक है, हेल्प तो की ही इनकी, उसके बजाय ही स्पोक टू द हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ अदर मिडिल एंड हाई स्कूल, बाकी आसपास के जितने भी मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के प्रिंसिपल को वो जानते थे, उनसे भी बात की, ठीक है, प्रिंसिपल और हेडमास्टर से बात की, बाकी स्कूलों के भी। दे ऑल्सो ज्वाइंट इन अरेंज फॉर मोर बुक्स, वो भी इस काम को ज्वाइन किए और सारी बुक्स अरेंज किए, ठीक है। दे गॉट इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग नीडी चिल्ड्रेन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द टेक्स्ट बुक, उन्होंने नीडी चिल्ड्रेन को जिनको ज़रूरत थी उनको आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उनको खोजा और सबको बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो। दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक बैंक, और ये यहाँ से ये बुक बैंक का कॉन्सेप्ट आता है, अ सस्टेनेबल एंड रिप्लीकेबल इनिशिएटिव टू प्रोवोक स्कूल बुक्स टू चिल्ड्रेन हु कुड नॉट अफोर्ड देम, और यहाँ से मतलब ये रिप्लीकेबल इनिशिएटिव मतलब इसको देख के ये उदाहरण बना अच्छा, जिसको लोग भी कॉपी करने लगे, बाकी लोग भी इसको कॉपी करने लगे, और उन्होंने एक बुक बैंक बनाया और सबको ज़रूरतमंदों को किताबें इस तरीके से मिलने लगी, लोग एजुकेशन को अफोर्ड करने लगे। हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वाइट अ फ्यू स्कूल ऑफ इन विदिशा टुक कीन इंटरेस्ट इन मैनेजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बुक बैंक फॉर ईयर्स दैट फॉलोड, और विदिशा के बहुत सारे मतलब मैनेजिंग मेंबर्स जो थे और प्रिंसिपल हेडमास्टर सब ने इस एक्टिविटी में बहुत पार्टिसिपेट किया और इस बुक बैंक में मतलब सालों तक इस बुक बैंक को चलाते रहे। सब्सिक्वेंटली द बुक बैंक वॉज मर्ज्ड विद पब्लिक लाइब्रेरीज इन द टाउन, और इस तरीके से ये जो बुक बैंक थी ये पब्लिक लाइब्रेरी में भी मर्ज हो गई, ठीक है, लाइब्रेरी की भी हेल्प इनको मिलने लगी। कंटिन्यूइंग विथ हिज डीप डिज़ायर टू डू समथिंग फॉर चिल्ड्रेन, कैलाश फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया एज अ फर्स्ट पीपल्स मूवमेंट ऑफ फॉर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का ये फर्स्ट मूवमेंट था, इक्विटी एजुकेशन एंड पीस फॉर ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया, और इसका मोटिव क्या था, इक्विटी, सबको मतलब बराबर एजुकेशन मिले, पीसफुल लाइफ हो बच्चों की इंडिया में। ही ब्रेव्ड ऑल ओड्स टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड विक्टिमाइज्ड चिल्ड्रन, और इससे इन्होंने सारे ऑब्स्टेकल को, सारी बाधाओं को दूर करते हुए जितने भी ज़रूरतमंद बच्चों थे नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इन्होंने अपना काम जारी रखा, ठीक है, पूरी दुनिया के बच्चों को इन्होंने हेल्प किया, बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। इन द लास्ट 35 ईयर्स हिज एफर्ट्स हैव रिजल्टेड इन द रेस्क्यू ऑफ ओवर 83,000 चिल्ड्रेन एंड अडल्ट फ्रॉम चाइल्ड लेबर। इन्होंने मतलब चाइल्ड लेबर से बहुत सारे बच्चों को रेस्क्यू किया, चाइल्ड लेबर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, ये सब जितने भी गलत काम थे उनसे बच्चों को बचाया, एंड अदर एक्सप्लॉयटेटिव सिचुएशंस इन इंडिया, जितनी भी तरह की गलत चीज़ें होती हैं उनसे बच्चों को सेव किया, रेस्क्यू किया। हिज इंटरवेंशंस हैव ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रेन वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज ऑफ कारपेट वीविंग बैंगल्स, बहुत सारे बच्चे जो कि मतलब कारपेट मेकिंग में, बैंगल मेकिंग में, फायर क्रैकर्स, सर्कस, लॉक मेकिंग, ब्रासवेयर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर लेबर, सारी एम्ब्रॉयडरी, स्टोन क्वेरीज एंड ब्रिक किल्स
बिसाइड डोमेस्टिक चाइल्ड सर्विट्यूड अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब सारी इन सब जगहों पे काम करने वाले बच्चे और जितने भी डोमेस्टिक लेबर में जितने भी बच्चे थे उन सबको इन्होंने बचाया, स्लेवरी से बचाया, सारे बच्चों के लिए काम किया, ठीक है। सो वर्ल्ड वाइड लेवल पे कैलाश सत्यार्थी बहुत फेमस है और 2014 में जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला तो पूरी दुनिया इनके बारे में जान गई कि इन्होंने बच्चों के लिए कितना काम किया, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कैलाश सत्यार्थी, होप यू अंडरस्टूड।